अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका फाइव यूनर्स और आप देख रहे हैं फाइव यूनर्स चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इन दिस वीडियो विल डिस्कस टॉपिक बॉयज लॉ। ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 टॉपिक नंबर 1 है बॉयज लॉ। ये इंट्रोड्यूस करवाया था बॉयज साइंटिस्ट ने। इसकी डेफिनेशन इसने यूं की थी कि ऐसे जो वॉल्यूम है उसकी गैस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी जब कांस्टेंट होगी वो किसके टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स के। इसकी डेफिनेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस गिवन मास ऑफ द गैस is inversely proportional क्या होगा inversely proportional होगा at temperature and pressure and constant number of moles is called Boyle's law। ये क्या है Boyle's law? इसके उसमें क्या inversely proportional होता है? क्या वॉल्यूम इसका क्या होता है? वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ओवर पी। ये हमारा क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको आप कांस्टेंट करेंगे वी इज इक्वल टू के ओवर पी और ये वॉल्यूम और प्रेशर एक तरफ हो जाएगा वी पी ओवर के। ये हमारे पास एक वॉल्यूम निकल है। इसको मैथमेटिकली करें मैथमेटिकली वी वन है वॉल्यूम ओवर वी वन को कहते हैं प्रेशर इज इक्वल टू के। ये क्या है? कांस्टेंट है। सेकंड वैल्यू वी टू ओवर के ये भी क्या है? कांस्टेंट है। ये दो वैल्यू क्या है इसकी? कांस्टेंट होंगी। इसके बाद इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के अंदर थ्री किस्म के इसके क्या ब्लॉक आएंगे इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल लॉ एशन फिगर इसके ऊपर हमने थ्री ब्लॉक जब रखने हैं इसके अंदर होगी गैस। यह गैस क्या करेगी? यहां तक आएगी कम यह सारा फिल होगा। ये फर्स्ट गैस जो है हमारी वन के बराबर है। ये टू एटमॉस्फेयर है टू एटमॉस्फेयर इसकी वेरिफिकेशन टू एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई वन डेसीमीटर क्यूब ओवर टू वन्स आर टू टू डेसीमीटर क्यूब
एटमॉस्फेयर। ये फर्स्ट वाली हमारी ब्लॉक के अंदर बनी है। सेकंड ब्लॉक बनाएंगे ये ब्लॉक है, इसकी इधर तक गैस जाएगी, इसके ऊपर कितने, यहां से इसका बॉटम होगा कम, इसके ऊपर दो ब्लॉक होंगे और इसके अंदर भी क्या होगी गैस, ये फील होगा। इसके ऊपर जो सी गैस अप्लाई हो रही है वो 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर रूम से, और 4 एट इसके ऊपर 1/2 डेसीमीटर क्यूब लगेगा, कितना, 1/2 डेसीमीटर क्यूब। 4 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई 1/2 डेसीमीटर क्यूब, ये कितना बनेगा, इसको कट करें इसके साथ 2 2 1s are 2 2 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर, इसकी भी कितनी बनेगी, 2 ही बनेगी, क्यों, उसकी सेम कांस्टेंट ही रहेगी वैल्यू। और जब थर्ड ब्लॉक इसका हम बनाएंगे, ये यहां तक हो, इसके ऊपर एक ब्लॉक और इसका प्रेशर होगा अप, ये इसमें सारे क्या होगी गैस, इसके ऊपर 6 एटमॉस्फेयर, कितने, 6, और जब 6 एटमॉस्फेयर होंगे और इसमें 1/3 डेसीमीटर क्यूब लगेगी ये गैस वाले, और मल्टीप्लाई 1/3 डेसीमीटर क्यूब, 3 1s are 3 3 2s are 6 2 1s are 2 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर। हैंस द प्रूफ दैट बॉयज लॉ कितना है, हैंस द प्रूफ दैट बॉयज लॉ, क्योंकि सबकी वैल्यू क्या होगी, सेम आ गई, हैंस द वैल्यू प्रूफ दैट बॉयज लॉ। यहां पर हमारा क्या फर्स्ट टॉपिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 टॉपिक नंबर 1, आज हमारे फर्स्ट जो सा टॉपिक है बॉयज लॉ क्लियर हो गया। ज्यादा समझ नहीं आई होगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं आपको गाइड करूंगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बासानी से नोटिफिकेशन में शो हो जाए और आप देख सकें। अल्लाह हाफिज़।